हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको पता होगा कि अगर यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, यूट्यूब से पैसा अर्न करना चाहते हो, तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पे पैसा अर्न करने के लिए आपको बहुत सारे तरीका होता है। जैसे कि आपको अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज के जरिए अपने पैसा अर्न कर सकते हो, यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप करके पैसा अर्न कर सकते हो, एफिलिएट करके पैसा अर्न कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। सुपर थैंक्स से पैसा अर्न कर सकते हो, सुपर चैट से पैसा अर्न कर सकते हो, मेम्बरशिप से पैसा अर्न कर सकते हो, बहुत सारे तरीका है। लेकिन सबसे पहला जो मेन तरीका और सबसे मेन जो सोर्स होता है वो होता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन। और अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको अपने जो चैनल है उस पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम पिछले 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, तभी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होता है। और इसी जगह पर काफ़ी सारे क्रिएटर जो है जो यूट्यूब से रिलेटेड यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करते हैं, और कुछ ऐसे क्रिएटर होते हैं जो कि इन सारी की सारी वॉच टाइम सब्सक्राइबर को प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में लगा रहता है झगड़ा। ओके, इन दोनों एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि मैं एक नया यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मेरा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो मेरे प्रोस्पेक्टिव से यानी कि मेरे सोचने के तरीके से मुझे क्या लगता है कि मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम जो है वो बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है, हर एक नए क्रिएटर की जो चैनल है वो कभी भी एकदम से नए चैनल पे कभी भी व्यूज़ नहीं आता, कभी भी सब्सक्राइबर गेन नहीं होता। हाँ, 2-3 ऐसे चैनल हो जाते हैं जो कि वीडियोज़ डालते हैं, उसका चैनल धड़ल्ले से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, उस पर वीडियोज़ पर अच्छा खासा व्यूज़ आते हैं। लेकिन 99% चैनल ऐसा होता है जो इस पर अच्छा खासा व्यूज़ कभी भी नहीं आता, जितने भी वीडियोज़ डाल लो उस पर अच्छा खासा व्यूज़ नहीं आता। इसी के कारण होता है कि काफ़ी ज़्यादा चैनल डिमोनेटाइज यानी कि मोनेटाइज नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर यूट्यूब को छोड़ देते हैं। तो देखिए, मेन जो बात आती है अपने चैनल को मोनेटाइज पैसा देकर करना चाहिए कि नहीं करना है। तो पैसा देने का जो प्रोसेस रहता है कि मान लीजिए मैं एक हूँ जो कि आपको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो मैं आपसे एक चार्ज लेता हूँ 1000 सब्सक्राइबर के लिए और 4000 घंटा वॉच टाइम देने के लिए, मैं आपके चैनल पे दे दूँगा, उसके बाद मैं आपसे कुछ पैसा ले लूँगा। ओके, तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं यानी गिव एंड टेक प्रोसेस होता है। ओके, तो इस तरीके से करने के बाद हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइबर आ जाएगा, वॉच टाइम हो जाएगा, उसके बाद जब आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे वो मोनेटाइज भी हो जाता है। ओके, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है कि अपने वीडियोस पे एड्स आना, उसके बाद अर्निंग होना, वो अलग से बात है। लेकिन जब भी एक नए क्रिएटर अपने चैनल को यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके चैनल पे मैक्सिमम, मैंने जो देखा है, मैक्सिमम एक साल तक उसके चैनल पे जो है 50-60-100 व्यूज ही आ पाते हैं। तो ऐसे में देखिए, ऐसे में तो यूट्यूब से एड्स के थ्रू तो अर्निंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइजेशन के दौरान आपका काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स का सोर्स भी इंक्रीज होता है, जैसे कि आपको सुपर चैट से होता है, सुपर थैंक्स से होता है, मेंबरशिप से हो जाता है। तो ऐसे मोनेटाइजेशन के बाद ही इन सारे के सारे स्कोप आपको ओपन होता है। ओके, तो जो भी क्रिएटर बताते हैं कि आपको इन यानी कि पैसे देकर आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम आपको बाय नहीं करना है, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोसेस है यानी कि कुछ रास्ते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप एक साल से ऊपर से काम करो, लेकिन फिर भी अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो देखिए अगर आपके पास पैसा है, आप उतना ज़्यादा अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके, तो आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करने से अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद जो भी वीडियोस आप अपलोड करोगे, मान लीजिए एक वीडियो आपने अपलोड किया उस पर 50 व्यू हुआ है, उसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड किया उस पर 60 व्यूज आए, तो कुछ तो अर्निंग हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है लेकिन कुछ हो रहा है। उसके बाद अगर उन वीडियो में से किसी भी एक वीडियो से वायरल चला जाता है, तो उस वीडियो से ही आपको $100 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं रहता है, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी वीडियो से वायरल चला गया, तो उस वीडियो से आपका चैनल मोनेटाइज तब होगा, उसके बाद अगर वीडियो रुक जाता है तो आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो भी यानी कि आपका चैनल का जो अर्निंग है वो भी स्टॉप हो जाता है, उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपका चैनल एक वीडियो से वायरल हो जाता है, तो इससे क्या होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक वीडियो से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यानी कि उस पर भी अच्छा खासा व्यूज़ आना स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है, एक वीडियोस के लिए आपका बाकी वीडियोस से भी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये सारी की सारी प्रोसेस रहता है, सारी की सारी चीज़ रहता है जो कि एक दो हाथों से कवर नहीं किया जा सकता है। ओके,
काफ़ी ऐसा चीज़ होता है जिसे देखना पड़ता है, जिसको आप समझ सकते हो एक क्रिएटर होने के नाते। ओके, तो मेरा अगर सोचना है, मेरा अगर कहना है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम आपको बाय करना है कि नहीं करना है, तो मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा। ओके, मैं एक क्रिएटर होने के नाते अगर आपके पास पैसा है, उतना अगर आपके पास पैसा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, मैंने पिछले आपको बताया, अगर वीडियोस को आपने स्किप करके देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आपको वीडियोस को दोबारा देख लो। ओके, मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्यों करना चाहिए, क्योंकि मोनेटाइज होने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से अर्न कर पाओगे। ओके, तो ये होता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम का फंडा। तो जो भी क्रिएटर बताता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम बाय नहीं करना चाहिए, उनसे सिर्फ एक सवाल करो कि मैं आपको 1.5 साल से 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे कंसिस्टेंसी से के साथ वीडियोस को अपलोड करूँ, क्वालिटी के साथ वीडियोस को अपलोड करूँ, तो फिर भी क्यों मेरा जो वीडियोस है वो वायरल नहीं हो रहा है, क्यों मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। इसका आंसर कोई भी नहीं है, वो सिर्फ एक ही आंसर करेगा, एक ही आंसर देगा कि हाँ आप अपने चैनल पर रेगुलर काम करते रहो, एक ही आंसर होता है। ओके, क्योंकि देखिए जो भी आज के टाइम पे बड़े क्रिएटर है ना, वो पिछले टाइम पे अपना चैनल को ग्रो करके बैठा है, और उस टाइम पे यूट्यूब पे उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जितना ज़्यादा आज है। ओके, तो अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इसके यानी कि इस टॉपिक पे आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब देख के लिए अच्छे रहे।